दिस ललन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ, गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण है। लीजिए लिवोजन टॉनिक, इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप, मैं हूँ सोनाली आपके साथ। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बीच में लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अच्छी बात है एक दूसरे की मदद करने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। ऐसे ही एक मदद का हाथ बढ़ाया है उन लोगों ने जो कोविड मरीजों को फ्री में या बहुत ही कम दामों में उनके घर तक खाना पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोग लगभग हर शहर में मौजूद हैं, पर हर कोई उनसे सोशल मीडिया के जरिए मदद नहीं ले पा रहा है। अब कई घर ऐसे हैं जहां पर कोविड मरीज की देखरेख में खाना नहीं बन पा रहा है। इस दिक्कत को दूर करने के लिए शेफ सारांश गोयला ने covidmealsforindia.com नाम की वेबसाइट की शुरुआत की है। इस वेबसाइट पर आप अपने शहर के कोविड मरीज तक घर का खाना पहुंचाने वाले होम शेफ या टिफिन सर्विसेज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहीं से आप इन्हें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इस पोर्टल को बनाने में फास्टर नाम की सर्विस ने मदद की है। ये रेस्टोरेंट वगैरह को ऑनलाइन लाकर इनकी फूड डिलीवरी बिजनेस चालू करवाती है। वैसे इस वक्त covidmealsforindia.com 40 से ज्यादा शहरों में फूड डिलीवरी सर्विसेज दे रही हैं। इनके मुताबिक इस पोर्टल पर 900 से ज्यादा खाना पहुंचाने वाले लोग मौजूद हैं। अगर कोई टिफिन सर्विस या शेफ इसका हिस्सा बनना चाहता है तो वो इस पोर्टल पर खुद को आकर खुद रजिस्टर भी करवा सकता है। हमें इस पोर्टल पर फ्री खाना पहुंचाने वालों के साथ साथ पेड सर्विस देने वाले भी मिले। खाना फ्री है या नहीं ये पता करने के लिए आपको टिफिन वाले से बात करनी पड़ेगी। अगर वेबसाइट पर इस सर्विस के नाम के आगे ये भी लिखा होता कि पेमेंट करनी है, नहीं करनी, कितनी करनी, तो सही होता। अब देख लेते हैं इस पोर्टल का इस्तेमाल हमें करना कैसे है। तो कोविड मील्स फॉर इंडिया पर खाना ऑर्डर कैसे करें। वेबसाइट खोलते ही आपके स्क्रीन पर आपके सामने दो बॉक्सेस बनकर आएंगे। पहले में आपको अपने राज्य यानी कि स्टेट को चुनना है। इसके बाद दूसरे वाले बॉक्स में आप अपने शहर का नाम डाल दीजिए। इसके बाद नीचे दिए गए फाइंड फूड वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने शहर के वो सभी रेस्टोरेंट्स एक लिस्ट में दिखाई देंगे जो कोविड मरीजों तक खाना पहुंचा रहे हैं। इन रेस्टोरेंट्स के नाम के साथ में इनका मोबाइल नंबर, ये किस किस दिन खाना पहुंचाते हैं और कितने से कितने बजे तक के लिए काम करते हैं, ये सब कुछ लिखा हुआ है। सामने ही एक व्हाट्सएप का बटन भी होता है जिस पर क्लिक करने पर आपके फोन में व्हाट्सएप चैट खुल जाएगी और आप यहीं से खाना डायरेक्टली मंगवा सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए एक मैसेज पहले से ही लिखा हुआ रहता है। ये मैसेज है, हे I found your service on covidmealsforindia.com and I am looking to order. मतलब कि मुझे आपकी सर्विस के बारे में covidmealsforindia.com के जरिए पता चला और मैं खाना मंगाना चाहता या चाहती हूँ। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने आसपास के लोगों तक पहुंचाइए ताकि कोविड के समय में किसी को खाने की परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखते रहिए दी ललन टॉप, अपना ख्याल रखिए। मैं हूँ सोनाली आपके साथ, धन्यवाद। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह, सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी ललन टॉप पर।